नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलर पैड के बैकग्राउंड में हम अपने गैलरी में की कोई भी पिक्चर जो है डायलर पैड में सेट करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होती है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह कुछ एक नंबर आ जाते हैं हमारे सामने। यहाँ पे टाइप करके हम किसी को भी यहाँ से फोन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी डायलर पैड के बैकग्राउंड में अगर आप जब भी ये डायलर पैड ओपन करोगे तो इसके बैकग्राउंड में अगर आपको हर टाइम आपके खुद की फोटो या फिर आपके गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई देगी तो क्या दोस्तों गजब का आपका मोबाइल भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे डायलर पैड के ऊपर हम अपनी या फिर अपने गर्लफ्रेंड की या फिर गैलरी में के कोई भी हमारे पसंदीदा पिक्चर लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत। तो डायलर पैड के बैकग्राउंड में अपनी फोटो, खुद की फोटो अगर आपको सेट करनी है, यहाँ पे सेव करके रखनी है, इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आप जो भी डायलर पैड यूज है आपके मोबाइल में इंस्टॉल है ऑलरेडी, उस डायलर पैड का यूज हमें नहीं करना है। ये सिंपल से हमें कहीं पे भी छुपा के रखना है, मतलब कि जी हाँ दोस्तों, इसको हम यहाँ पे छुपा के रख सकते हैं। और इसके बाद हमें जिस एप्लीकेशन की जरूरत लेनी होगी दोस्तों, मदद पड़ेगी यहाँ पे, उस एप्लीकेशन में हम अपने खुद की फोटो या गैलरी की कोई भी फोटो यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या है उस एप्लीकेशन का नाम, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ प्ले स्टोर में। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले स्टोर में माई फोटो फोन डायलर। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ इस तरह एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर में। सिंपल से ये आपको नाम यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर में, और ये एप्लीकेशन का आप लोगो और बाकी सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे इसकी रेटिंग वगैरह भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ से आपको सिंपल से ये एप्लीकेशन कर देनी है इंस्टॉल। जैसे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो इसके बाद में इसको आपको ओपन करके बता देता हूँ। जैसे हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस इस एप्लीकेशन का आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है दोस्तों, तो ये सेटिंग आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे पूरे सेटिंग में आपको परमिशन दे देनी है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको सब परमिशन को अलो यहाँ पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारी पूरी सेटिंग यहाँ पे डन हो चुकी है। इसके बाद मुझे सिंपल से यहाँ से बैक आना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे सेटिंग यहाँ पे डन करने के बाद, मतलब कि इस एप्लीकेशन में जितने भी हमें परमिशन मांगे थे वो सारे परमिशन देने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पे हमारे सामने खुलकर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अब डायलर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट में, इसको सिंपल से क्लिक कर देना है। बात करते हैं हमारे फोटो कैसे यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो सिंपल से अभी क्या कर देना है, हमें नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल की गैलरी बिल्कुल ओपन हो जाएगी। पिक इमेज का आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद आपके मोबाइल की पूरी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है, सिंपल से मैं फोटो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं इसको कर देता हूँ डन। ये फोटो अब मेरे डायलर पैड में ऐड हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी खुद की फोटो भी आप सेट कर सकते हो। मैं आपको सैंपल के लिए दिखाने के लिए एक कोई भी फोटो यहाँ से मेरे गैलरी का मैं आपको सेट करके बताऊंगा। सिंपल से इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद अभी आप देख सकते हो मैं जब भी फोन करूंगा, ये अभी डायलर पैड जो है मैंने एप्लीकेशन, ये मैं नीचे यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ला के रख देता हूँ, जो कि हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। अब दोस्तों ध्यान रखना, आप जब भी फोन करने वाले हो, जब भी डायलर पैड का यूज करे तो यही एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। इसमें आपको आपका फोटो जो सेट किया आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह मेरा डायलर पैड ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से फोन करता तब भी ये फोटो यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों ये ट्रिक आप भी अपने मोबाइल में करते हो तो दोस्तों आप भी आपके दोस्तों के सामने छा जाओगे, बिल्कुल वहाँ पे हीरो बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो एक छोटा सा कर देना वीडियो को लाइक, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ कर देना इस वीडियो को शेयर। फिर से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर आप नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।